तो आइए पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट में आप सभी सेविका बहनों का स्वागत है। पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट आई है 19.1। तो इस 19.1 की क्या अपडेट है इसके बारे में पूरा जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा दें कि ये 19.1 में क्या आप लोगों को एक नया फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे MPR करके एक फाइल बनाया गया है जिसमें कि आप लोगों को मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में दिखाएगी। तो इसके लिए हम चलिए पूरा जानते हैं किस प्रकार से ये MPR की फाइल है और इसमें क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद सबसे पहले आप पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेंगी। यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिख के सर्च जैसे ही करेंगी तो आप लोगों को यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप का जो न्यू अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली सभी सेविका बहनें पोषण ट्रैकर ऐप को जरूर अपडेट कर लेंगी, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट 15 सितंबर 2023 का दिखा रहा है। यहाँ पे न्यू अपडेट क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा गया है AWW मंथली रजिस्टर हैज़ बीन इनक्रॉप्टेड। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, इसको आप सभी लोग जरूर अपडेट कर लें। तो आइए जानते हैं ये MPR के बारे में, MPR क्या है और इसमें क्या क्या आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लिया है। अपडेट करने के बाद सिंपली हम लोग इसको ओपन करेंगे। आप लोग जैसे ही पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको होम पेज पे ही यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे एक नया फाइल खुल के आ जाएगी जहाँ पर लिखा होगा MPR। MPR यानी आपका मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया। इसमें आप लोग जो जो भी पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करेंगे उन सभी की रिपोर्ट अब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में खुद से ही देख पाएंगे। जैसे कि पहले आप लोग जो भी काम करती थी उसका रिपोर्ट LS के पास होता था कि आपने क्या पोषण ट्रैकर ऐप में काम किया है, कितनी गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन किया है, कितनी आप लोगों ने एंट्री की है, वो सभी चीज़ें LS के डैशबोर्ड में दिखा रहा था। बट अब आप लोग यहाँ पे इस अपडेट के आने के बाद यहाँ पे आप सारी चीज़ें खुद से ही चेक कर पाएंगे कि क्या क्या हमने पिछला मंथ जो काम किया है वो क्या क्या हमने किया है, वो सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पर MPR फाइल में आके देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम MPR वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक नया पेज खुल के आ जाएगी जहाँ पे आप लोगों की रिपोर्ट दिखेगी कि आपने क्या काम किया है, कौन सा काम पेंडिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं लाभार्थियों के बारे में जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो मंथ देखेंगे वो पिछला मंथ ही दिखाएगा आपका, यानी कि अभी सितंबर चल रहा है, पिछला मंथ अगस्त का था, उसमें आप लोगों ने कौन कौन सा काम किया है वो सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पोषण ट्रैकर ऐप में हमारे कितने बेनिफिशियरी ऐड हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे टोटल बेनिफिशियरी 123 यहाँ पे बेनिफिशियरी को ऐड किया गया है। यहाँ पे पिछले महीने हमने कितने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। यहाँ पे कोई अगर माइग्रेशन किया है तो वो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे माइग्रेशन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इनएक्टिव में कोई अगर लाभार्थी है तो वो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे एक डेड का ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि अगर किसी लाभार्थी को आपने डेड सबमिट कर दिया है, पहले वो अपडेट था, अब हालांकि वो अपडेट हटा दिया गया है, ठीक है, तो उसका रिपोर्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे माइग्रेशन आउट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो लाभार्थियों की कैटेगरी है वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जिस प्रकार से जो LS होती हैं उनके डैशबोर्ड में जो सारी चीज़ें दिखाती है वो सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पे खुद से ही चेक कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे टोटल जो लाभार्थी एलिजिबल हैं वो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस प्रकार करके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन को ऐड किया गया है जो आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्री एजुकेशन स्कूल यानी जो बच्चे आपके आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ने आते हैं उन सभी की रिपोर्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितने बच्चे यहाँ पे रजिस्टर है, 3 से लेकर 10 के बच्चे जो हैं वो कितने रजिस्टर हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो भी बच्चों का अटेंडेंस वगैरह है वो सभी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे जो गृह भ्रमण का एक ऑप्शन दिया गया है, कितना आपने गृह भ्रमण किया है पिछले मंथ, और कोई भी अगर गृह भ्रमण पेंडिंग होता है तो आप लोग यहाँ पे वो पेंडिंग दिखा देता, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल जो 34 गृह भ्रमण है वो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी गृह भ्रमण दिए गए थे पिछले मंथ वो सभी के सभी यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो सभी का दिखाएगा कि कौन कौन से गृह भ्रमण में यहाँ पे लाभार्थी शामिल है, जैसे गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, और यहाँ पे 0 से लेकर 2 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो उनका यहाँ पे गृह भ्रमण दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग की रिपोर्ट आप देख पाएंगे कि कितने बच्चों को आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग किया है। तो यहाँ पे टोटल 106 बच्चे हैं
और 106 बच्चे का यहाँ पे पिछला मंथ में ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चे सीवियरली स्टंटेड है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कितने बच्चे यहाँ पे मॉडरेटली स्टंटेड है वो देख सकते हैं, कितने बच्चे ओबीज की कैटेगरी में है वो देख सकते हैं, और कितने बच्चे यहाँ पे ओवरवेट में है वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप लोग अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर देख के सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी बच्चों का आप लोग हाइट वगैरह चेक कर पाएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेवियरली अंडरवेट में कितने बच्चे हैं, मॉडरेटली अंडरवेट में कितने बच्चे हैं, सैम में कितने बच्चे हैं, मैम में कितने बच्चे हैं, वो सभी रिपोर्ट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। अब यहाँ पे पोषण युक्त अनुपूरक का एक ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि आपके पोषण युक्त अनुपूरक में कितने लाभार्थी शामिल है, कितने को आपने आयरन दिया है, कितने को आपने फोलिक एसिड की जो टैबलेट होती है वो दिया है, कितने को कैल्शियम दिया है, कितने को विटामिन ए की दवा दी है, वो सारी डिटेल्स अब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में ही आके चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में एक न्यू फीचर जो ऐड की गई है MPR, इसमें आप लोग सारी रिपोर्ट अपनी चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और आज की अपडेट आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।